नमस्कार, घमासान.com में मैं नीरज कुमार राठौर। आज हमारे बीच में बेलफास्ट आयरलैंड से एनआरआई संदीप राठौर जी विशेष रूप से उपस्थित हैं, जो कि पिछले 15 सालों से वहां पर सेटल हैं। संदीप जी, बेलफास्ट में कितने एनआरआई हैं और वहां कैसा माहौल है, कितने इंडियंस हैं, क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ होती है, आप थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में। नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। और जहाँ तक इंडियंस का सवाल है, बेलफास्ट में करीब 15,000 इंडियंस अब तक आ चुके हैं बेलफास्ट में। और जहाँ तक गेट टुगेदर का सवाल है, जो मिलना जुलना होता है सब इंडियंस का, वो एक कॉमन प्लेस है हमारा इंडियन कम्युनिटी सेंटर, जो हम उसको इंडियन टेंपल भी बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, मोस्टली सारे फेस्टिवल्स वहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और अब थोड़ा इकोनॉमिकली इंडिया भी स्ट्रांग हो रहा है, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंडियंस की डिमांड है वहाँ पर, तो बहुत सारे इंडियंस अब बहुत आ रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए अब और ज़्यादा नंबर पड़ने वाला है इंडियंस का वहाँ पर। और अब ब्रेक्जिट भी हो रहा है, तो ब्रेक्जिट की वजह से मुझे लगता है ऐसा कि इंडियंस को काफ़ी एडवांटेज रहेगा आईटी फील्ड में स्पेशली, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की बजाय इंडियंस आईटी प्रोफेशनल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है वो इंडियंस आने वाले बेलफास्ट नियर फ्यूचर में। जी जी, देश के लाखों एनआरआई लंबे समय से फॉरेन कंट्रीज में सेटल हैं, ओब्वियसली आयरलैंड में भी काफ़ी इंडियंस रह रहे हैं लंबे समय से, और यह देखने में आया है कि एनआरआई के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है देश के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनआरआई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे भी रहे हैं रेमिटेंस के माध्यम से, और यहाँ पर बिजनेस स्टेबल करके भी दे रहे हैं। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके सामने कभी ये प्रश्न आता है कि आप अपने देश के लिए, अपने शहर इंदौर के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे भविष्य में, तो कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो फिर आप क्या योगदान देना चाहेंगे इंदौर को और भारत को? नीरज जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और स्पेशली जो भी इंडियंस इंडिया से अब्रॉड जॉब के लिए जाते हैं या सेटल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया को भूल जाते हैं, दे ऑलवेज रिमेन इंडियन फ्रॉम हार्ट, और स्पेशली दे ऑलवेज कीप एन आई ऑन ऑल दी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, चाहे वो कल्चरल हो या फिर पॉलिटिकली हो, सब लोग सारे इंडियंस इंडिया की गतिविधियों को नोटिस करते हैं मीडिया के माध्यम से, स्पेशली जैसे वेबसाइट से, जैसे आपका न्यूज़पेपर है घमासान.com, तो उसके माध्यम से वो लोग इंडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। और जहाँ तक बिजनेस का सवाल है या इंडिया के लिए कुछ करने का सवाल है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ और फ्यूचर में भी करता रहूँगा कि कुछ योगदान करता रहूँ इंडिया और इंदौर के लिए। और एक्चुअली मैं इसको ओपनली नहीं बताना चाहता कि मैं क्या करता हूँ, बट आई डू हेल्प। और जैसे आपने कहा कि एक और आपका क्वेश्चन था कि आप बिज़नेस के बारे में क्या करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के लिए मैं एक्चुअली शुरू से ही वर्किंग सर्विस इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैं जॉब में रहा हूँ, तो मुझे बिज़नेस का ऐसा एक्चुअली ज़्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट अब मुझे लगता है कि ये सही समय है, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बिज़नेस की, तो मैं डेफिनेटली बिज़नेस में भी कुछ ट्राई करना चाहूँगा। और इंदौर के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ मीडिया में कि इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर हो गया है, तो आई फील प्राउड टू बी एन इंदौरियन, और अच्छा फील होता है कि चलो पूरी दुनिया में इंदौर का नाम हो रहा है, और आई एम वेरी वेरी आई फील वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी प्राउड टू बी इंदौरियन। आपके बेलफास्ट में और आयरलैंड में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, और आयरलैंड का क्या कल्चर है, क्या क्या वहाँ पर देखने लायक जगहें हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल टूरिज्म का काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा है, इंडिया से काफ़ी लोग आयरलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं घूमने के लिए, तो आप जहाँ रह रहे हैं बेलफास्ट, वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
जहाँ तक आयरलैंड का सवाल है, आयरलैंड दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक साउथ आयरलैंड और एक नॉर्थ आयरलैंड है। नॉर्थ आयरलैंड अभी भी यूके का हिस्सा है, तो वहाँ पर उसको यूके ही बोल सकते हैं कि वो यूके का ही पार्ट है, बट वहाँ के लोग अपने आप को आयरिश कहते हैं। और आयरलैंड एक एग्रीकल्चरल बोल सकते हैं इकोनॉमी है वहाँ पर, क्योंकि एक आइलैंड के पास में होने की वजह से वो बहुत ही अच्छा लश्कीन जगह है वहाँ पर। कंटिन्यूसली मोस्टली वेदर ठंडा ही होता है और बारिश बहुत होती है, और समुद्र के किनारे इसलिए बहुत स्टॉमी वेदर होता है, और वहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ अच्छा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोल सकते हैं उसको। और टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेस है आयरलैंड, वहाँ पर खूब सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और स्पेशली नेचुरल प्लेसेस जिसको बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, वो उसके लिए बहुत ही फेमस है। और आयरलैंड में मैंने देखा है कि मोस्टली अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से बहुत लोग आते हैं स्पेशली समर में, क्योंकि समर में बहुत अच्छा वेदर होने की वजह से आयरलैंड बहुत ही सुंदर दिखता है। और उसके एक तो सी है, उसके चारों तरफ सी से घिरा हुआ है, तो इसलिए, और फिर उसके बाद लश ग्रीन वहाँ के माउंटेन्स हैं और वहाँ का फील्ड है, तो बहुत ही सुंदर व्यू होता है आयरलैंड में। और वहाँ आयरलैंड में जो पिकनिक तो नहीं बोल सकते हैं कि जो वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर मैं जा रहा था, वहाँ बेलफास्ट है, वहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज इन जायंट कॉजवे, वो बहुत ही अच्छी जगह है, वो उसको लाखों लोग देखने आते हैं हर साल। और इसके अलावा बहुत सारी जगहें और बहुत सारे कैसल्स हैं, ओल्ड कैसल्स हैं, और साइट सीइंग है, समुद्र में आप यू कैन गो, आप बोटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा स्काई डाइविंग कर सकते हैं, और माउंटेन क्लाइंबिंग है, और बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं। और पिकनिक स्पॉट्स के अलावा आप चाहें तो समुद्र में बोटिंग कर सकते हैं, तो और इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल साइट्स हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं। और आयरलैंड जो कि बेलफास्ट से जो नॉर्थ वाला आयरलैंड है, वहाँ पर वो तो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट, लाखों टूरिस्ट आते हैं हर साल, तो इस बहुत ही सुंदर जगह है। जैसा कि आपने बताया कि आयरलैंड में इस समय बेलफास्ट में करीब 15-20 हज़ार इंडियंस रह रहे हैं, आप लोग अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं, अपना इंडिया का त्यौहार जितने भी हैं, और इसके अलावा जैसे इंडियन कल्चर का क्या वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं, क्या आपका कोई एसोसिएशन बना हुआ है कल्चर एक्सचेंज के लिए, आपके इंडियंस के द्वारा क्या क्या वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? आप अच्छा लगा ये क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग हमारे रूट से जुड़े हुए हैं, इंडिया से जुड़े हुए हैं, और हम अपने अपने त्यौहार इंडिविजुअली घर में तो मनाते ही हैं, बट एक गेट टुगेदर की वजह गेट टुगेदर भी करते हैं हमारे त्योहारों का, जो इंडियन टेम्पल होता है वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूजा होती है, पूजा हवन होती है, और इवन स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस होते हैं, पाठ होते हैं, और उसके बाद फिर लंच या डिनर जो भी है वो होता है, सारा सात्विक भोजन होता है, वेजिटेरियन फूड। और इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मंथली और हर एक आध महीने में हम लोग कल्चरल गेट टुगेदर रखते हैं, या फिर उनको एक जैसे वहाँ की एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर वहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, भाई इंडिया का कोई कल्चर डे मना लेते हैं और उनको इनवाइट करते हैं, उसके फिर उनको इंडियन टेम्पल दिखाते हैं, वहाँ का एक्टिविटीज दिखाते हैं, वहाँ क्या क्या होता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, पहले इंडिया के बारे में उनको बताते हैं कि इंडिया क्या है, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ के लोगों को लगता है कि इंडिया अभी भी एक बोल सकते हैं कि गांव वाला देश है, गांव के लोग रहते हैं वहाँ पर, तो उनको अवेयरनेस के लिए उनको बताते हैं इंडिया के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में,
और इसके अलावा उनको क्वेश्चन भी पूछ उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि भाई उनको कुछ इंडिया के बारे में क्या लगता है, इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हो। सिर्फ उनको वहाँ का पूरा इंडिया के बारे में बताने के बाद फिर हम लोग एक लंच या डिनर करते हैं साथ में, वो भी इंडियन फूड होता है। तो उनसे इससे उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको इंडिया के बारे में बताते हैं कि भाई इंडिया अब बहुत एडवांस हो गया है, इंडिया में भी बहुत प्रोग्रेस हो रही है और अब तो मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग ही जाता है कि इंडिया कहाँ पर क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो बट स्टिल जो स्कूल के विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशली हम इनवाइट करते हैं और उनको एक कल्चर टू या टूर बोल सकते हैं, या फिर इंडियन कम्युनिटी का इंडियन टेम्पल के टूर कराते हैं, उनको सारा दर्शन कराते हैं मंदिर में और उनको फिर बताते हैं इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन त्योहारों के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में। तो ये थे संदीप राठौर जी हमारे बीच में, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट सिटी में पिछले 15 सालों से सेटल हैं। आपने हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी। आपने बताया कि किस तरह से वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी इंडिया के कल्चर का प्रचार प्रसार कर रही है और किस तरह वहाँ की कम्युनिटी में इंडिया के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। नो डाउट आपकी ये इंफॉर्मेशन निश्चित ही हमारे ऑडियंस को नॉर्दर्न आयरलैंड और पूरे उस रीजन के बारे में एक नई जानकारी देगी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।